राजा जय। काम तो हो गया है, मैंने फिर से उस घर में वापस जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। यामिनी को लगता है वो अकेली नागमणि उड़ा ले जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी नाक के नीचे से कौन नागमणि उड़ा ले जाएगा। कौन है वो जो उसके गुरूर को चकनाचूर कर देगा। रुमा, पर वो तो मर चुकी है। दूसरों को जिंदा करने वाली खुद कैसे मर सकती है? सारी मधुमक्खियां मर गई। अरे हजारों नागिन का जहर है मेरे अंदर। मैं नागिन के डंक से नहीं मरी तो तुम लोगों के डंक से मरूंगी मैं। पागल थे वो लोग जो ये सोच रहे थे कि गुरुमा मर चुकी है, लेकिन अब मरेगी वो जिसने मुझे मारा। अब शिवन्या मरेगी और उसके बाद मैं नहीं, तुझे नहीं मारूंगा। जा, तुझे माफ किया, क्योंकि हम दोनों का मकसद एक है, शिवन्या की मौत। उसे मारकर तुझे तेरा ऋतिक मिल जाएगा और उसके साथ साथ तू नागमणि लाकर मुझे देगी। अगर सौदा मंजूर हो तो एक नागिन और एक नेवला हाथ मिला सकते हैं। मंजूर? मंजूर, एक याद रहे, तुम्हारी होने वाली सासू माँ को यह ना पता लगा कि मैं एक नेवला हूं। जो चीज मैं तुम्हें दिलवा सकता हूं वो नहीं दिलवा सकती है। भूल जा कि एक नागिन और एक नेवले की सदियों पुरानी दुश्मनी दोस्ती बन सकती है। जा, मार दे शिवन्या को, उसके बाद ऋतिक भी मेरा और नागमणि भी मेरी। एक नेवला नागिन का सबसे बड़ा दुश्मन था, है और रहेगा। एक बार शिवन्या को मारकर वो नागमणि मिल जाए, फिर तेरी बारी है काली नागिन, और तुझे मारने में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। आइए रोके की रस्म शुरू करते हैं। अगर ये बुढ़िया मेरी मां के किरदार में नहीं होती तो अभी वार कर देता। महारस्म शुरू कीजिए।
ठीक है लो भाई, मैं तैयार हूँ शॉट देने के लिए। कौन सा सीन लगेगा बोलो। वो क्या है ना, मेरी माँ को लगता है कि उनकी जिंदगी का हर एक पल एक मूवी के सीन की तरह है, और वो उस मूवी में एक माँ का किरदार बखूबी निभा रही हैं। तो वो हर मोमेंट को कैप्चर करना चाहती हैं। इसलिए माँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप प्लीज रस्म शुरू कीजिए। करती हूँ करती हूँ, पर करना किए। सुनिए, आपको शगुन के तौर पर ये चुनरी अपनी होने वाली बहू को उड़ानी है और तिलक लगाकर आशीर्वाद देना है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। लो भाई, हमने तो रसम अदा कर दी, होड़ कुड़ी वालों की बारी है, मुंडा तैयार है हमारा। माँ, अगर आप बुरा ना मानो तो कबीर का तिलक शिवन्या कर दे। क्यों नहीं, भाभी देखो ना शिवन्या कहाँ है। अगर शिवन्या ने मुझे देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, मेरे लिए भी और उसके लिए भी। के साथ रहना, पास रहना कितना अच्छा लगता है। काश वो शिवन्या कभी वापस ना आए। कितनी प्यारी जोड़ी है, किसी की नजर ना लगे। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन ने आज मुझे जाना नहीं या मुझे ना जानने का कोई बहाना ढूंढ रही है। जानना होगा कि ये नागिन की कौन सी नजर है, जानना होगा। आपके इंजेक्शन लगाने का वक्त हो गया है। पेशेंट कहां गया?
मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गई थी। तुम्हारी बू से पता चल गया था कि नेवल आया है। मुझे मारने जा रहे थे ना? तुम भी धोखा खा गए। शिवन्या को तो मैंने पहले ही बाहर भेज दिया था। तुम भी कमाल के, मैं भी कमाल का। बड़े कसब के शातिर हैं हम दोनों। इन दो दुश्मनों की दोस्ती बहुत रंग लाएगी। क्या हुआ ऋतिक, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आई थिंक मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ। मुझे चलना चाहिए। क्या हुआ ऋतिक? शिवन्या, बाबा पता नहीं हॉस्पिटल से कहाँ गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं, क्या करूं। तुम चिंता मत करो ऋतिक, सब ठीक हो जाएगा। वाह, बुड्ढा गायब हो गया। मेरे और ऋतिक के बीच आने वाली एक और बाधा कम हो गई।